टूटा हुआ साज हूँ मैं मुझसे ही नाराज हूँ मैं सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो लेके आ गया हूँ। तो गाइस अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है कुछ इसी तरह का व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आप भी अपनी फ़ोटोज़ को लगाकर कुछ इस तरह का व्हाट्सअप स्टेटस का वीडियो बनाना चाहते हो जो अभी आपने प्रीव्यू में देखा है वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सो गाइस कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन और अलाइट मोशन एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो इसको सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया तो मैंने टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो ओपन नहीं होता है, तो सिंपली गाइस अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन करते हो अगर ओपन नहीं होता है तो वहाँ पर आप जाकर सर्च कर लेना टेक्निकल एसके एक्सपर्ट टेलीग्राम पे। तो जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करते हो मेरा चैनल तो आ जाता है, वैसे टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे टेक्निकल एसके एक्सपर्ट तो मेरा टेलीग्राम आ जाएगा। सिंपली वहाँ से जाके आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हो फोटोज़ वगैरह जो भी गाइज आप वहाँ से सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ऑल मटेरियल्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी टैम्पलेट मटेरियल्स बीटमार प्रोजेक्ट एक्सएमएल फाइल पीएनजी फॉन्ट कुछ भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइज उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि मेरे मटेरियल्स को कैसे डाउनलोड करते हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सिंपली चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, बीटमार प्रोजेक्ट के लिंक पर क्लिक करके कोई भी ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेना। ये रीडायरेक्ट कर देगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में, तो इंपोर्ट की ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। ध्यान रखना अपने मोबाइल के इंटरनेट को जरूर ऑन करके रख लेना है, ठीक है। अभी जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से गाइस यहां पे प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ओके अभी इन सभी प्रोजेक्ट में आपको अपनी लिरिक्स को लिखना होगा, ठीक है। यहां तक 11 सेकंड तक लिरिक्स को लिखना होगा। 11 सेकंड के बाद में गाइस इधर जो है 4 फोटोज को सिर्फ आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस इस सॉन्ग की जो लिरिक्स हम लिख लेंगे, इस सॉन्ग के जो लिरिक्स है मैंने पहले गाइस यहाँ पर नोट पैड पर लिख के रख लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिख कर रख लिया है। तो इतना ही लिरिक्स है। सिंपली आपको गाइस यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको जो जो गाइस यहाँ पर लिरिक्स देखने को मिल रहा है यानी कि गाइस ये जो इतना भी दिखने को मिल रहा है वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना, नहीं तो सिंपली गूगल पर भी चले जाना और वहाँ पर भी आप इस सॉन्ग को सर्च कर लोगे तो बहुत सारे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सिंपली वहाँ से जाकर जो भी आपको लिरिक्स ये देखते हो जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से जाकर कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो गाइस वीडियो को पॉज कर लो, 1 से 2 मिनट लगेगा, सिंपली आप लिख लेना, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहां पर लिरिक्स को कॉपी कर लिया, अभी इसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे जिसमें अपना एडिटिंग कर रहे हैं। ओके अब यहाँ पर प्लस के ऑप्शन में क्लिक करके टेक्स्ट की ऑप्शन में आके लिरिक्स को पेस्ट कर देंगे। गाइस मैं पहले बता देता हूँ जैसे जैसे सॉन्ग प्ले होगा वैसे वैसे आपको सिंगर के साथ में अपनी लिरिक्स को भी लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कलर के ऑप्शन में आके यहाँ पर व्हाइट कलर को ऐड कर लेंगे। रोबोटो रेगुलर के ऑप्शन में क्लिक करके इस टाइम्स न्यू रोमेंस वाले एक फॉन्ट है इसको ऐड कर लेंगे। हर एक वर्ड स्टार्टिंग के आपको कैपिटल में डाल देना, जैसे कि ऐसे है इसको भी आपको कैपिटल में डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा स्पेस देके यहां पर इसको हल्का से इंक्रीज कर लेंगे और ये जो 80 PT है गाइस इसको जितना कम करोगे पीटी कम हो जाएगा यानी कि लिरिक्स की जो गाइस यहां पे साइज है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर लेते हैं गाइस इसको हल्का सा, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद में इसको क्लिक कर लेंगे और नीचे की तरफ मैं मूव करके ऐसे करके स्पेस दे दूंगा और डन कर लेंगे, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफर में आके बीच में फिक्स कर लेना गाइस और यहां पे एडिट टैक्स में आ जाएंगे और स्पेस दे देते हैं गाइस और डन कर लेंगे। मूव एंड ट्रांसफर में आकर गाइस इसको बीच में फिक्स कर लेना, देन इसकी जो ड्यूरेशन है हम सिंपली 11 सेकंड तक कर लेंगे, जहां तक अपनी लिरिक्स की ड्यूरेशन रहेगा तो यहां तक कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि लिरिक्स हमेशा बीच में रहना चाहिए गाइज। ओके तो यहां पर हमने कर दिया, फिर आगे आके बीच में कट लगा लीजिएगा, लिरिक्स पर क्लिक करके एडिट टैक्स में आ जाना है। अब आपको दूसरी वाली लिरिक्स जो है गाइज यहां पर पेस्ट कर लेना है गाइज। ओके तो देखो गाइज कुछ इस तरह से यहां से मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। गाइज ध्यान रखना है जैसे मैंने आपको बोला जैसे सिंगर गाइज सॉन्ग गाते हैं वैसे वैसे गाइज आपको सिंपली अपने लिरिक्स की टैक्स को भी ध्यान से
लिखते हुए चले आना है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देके फिर से बीच में मैं डन कर लूँगा, मूव एंड ट्रांसफर में आके इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। देन गाइज यहाँ पर कुछ इस तरह से बीच में स्पेस देके और भी फिक्स कर लेंगे अच्छे से। आगे आके बीच में फिर से कट लगा लेना, लिरिक्स पर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में आ जाएंगे। देन गाइज यहाँ पर दूसरी जो लिरिक्स है अब यहाँ पर सिंपली हम पेस्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद बाकी की लिरिक्स को फिर से हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। गाइज स्टार्टिंग वर्ड को हमेशा हमने बोला था कि कैपिटल में करना, तो सिंपली एच जो है इसको भी कैपिटल में कर देते हैं, एन को भी गाइज यहाँ पे कैपिटल में कर देते हैं, एच को भी कैपिटल में कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मैं नीचे की तरफ मूव कर लूंगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ इसको रहने दूंगा और डन कर लेंगे, ठीक है गाइज। मूव एंड ट्रांसफर में आकर कुछ इस तरह से जूम आउट करके लिरिक्स को बीच में फिक्स कर लेंगे। आगे आके फिर से बीच में कट लगा लेना। सो गाइज कुछ इस तरह से आपको अपनी लिरिक्स की टैक्स को लिख लेना होगा। जब लिरिक्स लिख लोगे उसके बाद में इधर जो है गाइज आपको अपनी चार फोटोज़ को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, फोटोज़ को ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके सिंपली गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी से गाइज यहाँ से सिंपली हम फोटोज़ को ऐड कर लेंगे, ठीक है। मूव एंड ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके कुछ इस तरह से फोटोज़ को जूम कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करके कुछ इस तरह से फोटोज़ को फिक्स कर लेना। अगर इस तरह का फोटो एडिट अगर आप करना चाहते हो तो गाइज मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कुछ इस तरह की 4K क्वालिटी में फोटोज को कैसे एडिट करते हैं, तो उस वीडियो को भी जाके आप देख लीजिएगा, ओके। जहां तक बीट होगा गाइस फोटोज पे क्लिक करके इस ऑप्शन में क्लिक कर दोगे फोटो की ड्यूरेशन यहां तक आ जाएगा। फिर प्लस में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके गाइस नेक्स्ट फोटोज को ऐड कर लीजिएगा। मूव एंड ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके फोटोज को जूम कर लेना है, ओके। आगे की तरफ आके फिर से फोटो को गाइस यहां पर कुछ इस तरह से यहां तक इसके ड्यूरेशन को कर देना। सो गाइस यहां पर आपको करना क्या, सिंपली अपनी लिरिक्स की टेक्स्ट को लिख लेना होगा अच्छे से, और यहां पर पहले चार फोटोज को ऐड करना होगा। उसके बाद आगे के जो प्रोसेस मैं बताता हूं, पहले गाइस यहां पर अच्छे से मैं लिरिक्स की टैक्स को लिख लेता हूं और चार जो फोटो है गाइस हम उसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताता हूं कि गाइस इफेक्ट वगैरह कैसे लगाना है। तो वीडियो को गाइस कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखते रहना, पहले इन सभी को मैं अच्छे से फिक्स कर लेता हूं। सो फाइनली गाइस यहां पर मैंने सभी लिरिक्स की टैक्स को अच्छे से लिख दिया है। देन गाइस यहां पर 11 सेकंड के बाद में गाइस यहां पर जो भी फोटोज था गाइस चार हमने फोटोज को भी ऐड कर दिया है, ओके। अब गाइस ध्यान से देखना कि आपको कौन सा इफेक्ट कैसे लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस यहां पर वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है। प्लस पे क्लिक करके मीडिया की ऑप्शन में आके सिंपली यहां पर मैं अपनी गैलरी में आ जाता हूं। गैलरी से गाइस यहां से पहले एक टेम्पलेट को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला टेम्पलेट इसको ऐड कर लेंगे गाइस, ओके। टेम्पलेट पर क्लिक करके सबसे पहले तो इसको वॉल्यूम को म्यूट कर देंगे और यहाँ पर आपको आ जाना गाइस ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में, ओके। लाइटन में आके स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर देना। टेम्पलेट पर क्लिक करके गाइस आपको नीचे की तरफ जहाँ आपकी लिरिक्स होगा वहाँ पे लाके फिक्स कर देना है, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना गाइस जहाँ तक यानी कि बीट मार्क होगा वहाँ तक टेम्पलेट की ड्यूरेशन को ऐसे करके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से क्या करना है गाइस प्लस पे यहाँ पर सॉरी गाइस इसी टेम्पलेट पर क्लिक करके प्लस पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना। फिर से प्लस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना, ये टेम्पलेट दूसरा वाला भी यहां आ जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देना। फिर प्लस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर करके फिर से ये टेम्पलेट यहां आ जाएगा, फिर से ट्रिम कर देना। फिर से प्लस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर करके फिर से आगे की तरफ आके ट्रिम कर लीजिएगा, फिर प्लस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना। कुछ इस तरह से गाइज आपको अपनी टेम्पलेट्स को कुछ इस तरह से यहां पर एडजस्टमेंट कर लेना होगा, ओके। इसको क्लिक करके हम गाइज इसकी ड्यूरेशन को यहां तक कर देंगे, ठीक है। अभी देखो गाइज ओनली हमने टेम्पलेट को ऐड किया है, ठीक है। अब आपको करना क्या, जितने भी आपने टेम्पलेट ऐड किया ना सभी को आपको अपनी लिरिक्स के नीचे रख लेना है, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला टेम्पलेट को लिरिक्स के नीचे रखा, दूसरी भी टेम्पलेट है इसको भी क्लिक करके आपको लिरिक्स के नीचे रखना है, तीसरी टेम्पलेट इसको भी कुछ इस तरह से यानी कि स्लाइड करके नीचे ला के रख लेना है, ठीक है। और जो भी गाइस आपने यहाँ पर टेम्पलेट ऐड किया ना, अभी हमने यहाँ पर रेड वाली, ठीक है, फायर वाली, तो इसको आपको सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरह से नीचे की तरफ मूव करके रख लेना है गाइस, ओके। तो इधर भी गाइस हम यहाँ पर मूव करके रख लेते हैं और गाइस एक लास्ट में ये टेम्पलेट बच गया, इसको भी हम कुछ इस तरह से मूव करके गाइज यहां पे रख देते हैं, ओके। अब देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके। सबसे पहले तो अब क्या करना है गाइज, यहां पर जो लिरिक्स है इसको क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आके यहां पे आपको कॉन्ट्रास्ट में आके ओवरले के ऑप्शन को सिलेक्ट करके बैक हो जाना है, ओके। अब यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन में आकर थर्ड नंबर पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। देखो गाइस जो आपके वीडियो में कुछ इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर से आपको दूसरी वाली लिरिक्स को क्लिक करके यहाँ पर आ जाना, ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आके कॉन्ट्रास्ट में आके ओवरले में आ जाना है, बैक होकर बॉर्डर एंड पीएनजी में आ जाना, बॉर्डर एंड शैडो में थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करके शैडो को इनेबल कर लीजिएगा। फिर से गाइस इसको क्लिक करके यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आके कॉन्ट्रास्ट में आके ओवरले के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा, बॉर्डर एंड शैडो में आकर थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके
इनेबल कर देना। गाइज यहाँ पर मैं तीन ही बताऊंगा, बाकी आप कर लेना, नहीं तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे देख सकते हो ये लिरिक्स वगैरह है तो टाइम लग जाएगा, वीडियो का ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लेना है। ओके, अब आपको करना है कि इधर देखो चार फोटोज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आ जाना है, एक प्रीसेट इफेक्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसका एक्सएमएल फाइल भी मिल जाएगा और प्रीसेट भी मिल जाएगा, जो भी आपको फोन में सपोर्ट करता है एक्सएमएल फाइल या प्रीसेट उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा, जैसे अभी आपने बीटमार्क प्रोजेक्ट को अलाइट मोशन में इंपोर्ट किया था। ओके, तो मैं बैक हो जाऊंगा, प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करके प्रीसेट में आ जाऊंगा, मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है। यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरह से प्रीसेट मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले प्रीसेट को क्लिक करके इफेक्ट मेकर 3 डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, बैक होकर उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या गाइस, आगे की तरफ आ जाना, पहले गाइस स्टार्टिंग के जो तीन फोटोज होंगे, ठीक है, जैसे कि ये फोटो है, इसको क्लिक करके इफेक्ट में आकर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। दूसरी फोटो इसको भी क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तीसरी फोटो इसको भी क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइज हमने तीन फोटोज पर कुछ इस तरह से इफेक्ट लगा दिया, अब फिर से बैक होकर इसी प्रीसेट में आ जाएंगे, अब एंड में एक हमारा ये वाला फोटो मिल जाएगा, क्लिक कर लेंगे इफेक्ट में आके 3 डॉट पर आके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, बैक होकर फिर से उसी प्रोजेक्ट में आएंगे। अब चौथी नंबर की जो फोटो है, फोर्थ नंबर की, उसको एंड में आके इस वाले इफेक्ट पर फिर से क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको चार फोटोज है मिलेगा, तो तीन फोटोज में आपको कुछ इस तरह से लगा देना, और जो लास्ट में चार यानी कि चौथी नंबर फोटो मिलेगा इसमें ये वाला इफेक्ट लगा लेना है, ठीक है। अब गाइस एक चीज और आपको ध्यान से देखना है कि हम यहां पर अपनी हार्ट वाली गाइस यहां पर अपनी टेम्पलेट्स एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या गाइस, सिंपली आपको यहां पर बैक हो जाना, फिर से अलाइट मोशन को ओपन करके प्लस पे क्लिक करके 9.16 की साइज को सिलेक्ट कर लेना, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले तो गाइस यहां पर प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके गाइस यहां से गैलरी में आ जाएंगे और उसी तीन फोटो को, स्टार्टिंग के तीन फोटोज को ऐड कर लेंगे, पहली वाली फोटोज को हम ऐड कर लेंगे, आगे हो जाएंगे, फिर प्लस पे क्लिक करके दूसरी फोटोज को ऐड करके आगे हो जाएंगे, फिर प्लस पे क्लिक करके तीसरी नंबर की जो फोटो है उसको करके आगे आ जाएंगे। अब ओके, अब आपको यहां पर टेम्पलेट को ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके फिर से गाइस यहां पर गैलरी में आ जाएंगे और एक हार्ट वाली टेम्पलेट है गाइस, इसको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। ओके, तो जस्ट वेट गाइज, यहाँ पर ये वाली टैम्पलेट को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन 3.18 सेकेंड है, तो इतना ही रहने देना, आपको आगे पीछे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइज अभी जो हमने बीट मार्क जिसे एडिट किया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी भी जो ड्यूरेशन है फिक्स करके रखा हुआ है। ओके, तो क्लिक कर लेंगे मूव एंड ट्रांसफर में आकर कुछ इस तरह से, पहले तो हार्ट को जूम कर लीजिएगा, ऊपर ले आकर फिक्स कर लेना, अभी देखते कि हार्ट कहाँ पर ब्रॉक होता है यानी टूटता कहाँ पर, तो थोड़ा सा और क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में आकर जूम आउट कर लेंगे, ऊपर के तरह फिक्स कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट वाली जो फोटो, इसकी ड्यूरेशन यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। इस टैम्पलेट को क्लिक करके प्लस में आकर कॉपी लेयर कर देना, फिर प्लस में क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना, ठीक है। अब यहाँ से जो टैम्पलेट हमारा जो फोटो बचेगा, इसके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे और इस टैम्पलेट की एंड में आकर इसकी ड्यूरेशन को यहाँ तक कर देंगे, फिर प्लस पर क्लिक करके पेस्ट लेयर पर कर देंगे। अब तीसरा वाला फोटो गाइस, इसको थोड़ी सी आगे आ जाना क्लिक करके और इस ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो ये भी फोटो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाकी इधर की जो एक्स्ट्रा पार्ट है फोटोज की ट्रिम कर लेना, इसकी ड्यूरेशन वीडियो के एंड में आके कुछ इस तरह से क्लिक कर दोगे तो ये आ जाएगा। देखो गाइस हमने तीन फोटोज को यहां पे बारी बारी करके ऐड कर लिया है, ठीक है। अब ये टेम्पलेट पर क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आके इफेक्ट पे आ जाना, यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की, इसको सिलेक्ट करके यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन, ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो तो कलर जो है ग्रीन, इसको क्लिक करके व्हाइट कर लीजिएगा, फेदर के ऑप्शन को क्लिक करके इसको हल्का सा इंक्रीज कर लेना, थ्री सॉल्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है, कुछ इस तरह से। बाकी गाइस यहां से आपको बैक होके इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, दूसरी जो टैम्पलेट हार्ट वाले क्लिक करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेना, तीसरी पे भी क्लिक करके इफेक्ट में आके 3 डॉट पे आके पेस्ट कर लेना। अब आपको करना क्या गाइस, यहाँ से ध्यान से रखना, क्लिक कर लेना अपनी फोटोज़ पे और यहाँ पे बीच में मिडल में फिक्स कर लेना। अब देखते कि ये टैम्पलेट जैसे कि गाइस यहाँ पे ये ब्रॉक होता है यानी कि टैम्पलेट देखते कहाँ तक होता है, मूव एंड ट्रांसफर में आके कुछ इस तरह से जूम आउट कर लेंगे अपनी फोटोज़ को और बीच में यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। देखो गाइस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा फर्स्ट वाला हो चुका है। अब आगे आ जाएंगे सेकंड फोटोज़ पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में आके कुछ इस तरह से इसको भी जूम आउट कर लेंगे, आगे की तरफ हो जाएंगे, देखते हैं ये टैम्पलेट कहां पे ब्रॉक होता है, तो ये भी गाइस बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरी फोटोज को क्लिक करके गाइस इसको भी क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में आकर जूम आउट कर लेंगे और देखते हैं गाइस ये भी टैम्पलेट कैसे, तो बिल्कुल गाइस ये भी परफेक्ट हो चुका है। देखो तीन के तीन टैम्पलेट जो सॉरी तीन के तीन जो फोटो है गाइस, हमने यहां पर कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना। अब इस ऑप्शन में क्लिक करके इस वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा, मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ है, तो बैक होकर उसी प्रोजेक्ट में मैं आ जाऊंगा। ओके गाइस, अब आपको करना क्या, ध्यान देना है कि गाइस यहां पर हमने जो अभी तीन
फोटोज को सिलेक्ट किया था, ठीक है ये वाला। अब आपको प्लस पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आके गाइज गैलरी में आ जाना है, ठीक है। और जिस वीडियो का भी हमने एक्सपोर्ट किया था गाइज, उस वीडियो को यहाँ पर हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। ओके सिलेक्ट कर लेंगे, देखो कुछ इस तरह से। अब आपको करना है कैसी, टैम्पलेट पर क्लिक कर देना वीडियो पे, और यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आकर लाइटन में आकर स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर देना है गाइज। ये आपकी फोटो पर डिपेंड करती है कि आपके फोटो में कितना कलर है, कितना ब्राइटनेस है। देखो इस फोटोज में थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आपको थोड़ी सी अपनी फोटोज की ब्राइटनेस को कम कर लेना, ध्यान रखना। इस फोटोज में देखो ब्राइटनेस उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके अब आपको करना क्या गाइज, सिंपली यहाँ पर देख सकते हो वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके कोई भी यहाँ पे एक शेप को सिलेक्ट करके थ्री डॉट पे आके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर लेना, कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके ब्लैक कलर को ऐड कर लेना। अब इसकी ड्यूरेशन को आपको वहीं तक कर देना जहाँ तक आपकी लिरिक्स की ड्यूरेशन रहेगा, तो यहाँ तक हम इसको कर देंगे, ठीक है। अब इसी पर क्लिक करके यहाँ पर इफेक्ट में आके एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको आ जाना है गाइज यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके सिंपल स्टार्ट फील्ड नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और फ्लाई फॉरवर्ड के ऑप्शन में क्लिक कर लेना। यहां नीचे स्लाइड करोगे तो व्हाइट कलर आपको देखने को मिल जाएगा, तो कलर को क्लिक करके रेड कर लेना है। बैक होकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर लाइटन में आकर स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर लेना। सो गाइज यहां पर देख सकते हो आपकी जो वीडियो है फुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो कुछ इस तरह का जो स्टेटस है गाइज आप भी बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। देन गाइज इधर जो है आपकी फोटोज भी प्ले होते हुए दिख जाएगा। ओके सो गाइज वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस अब आपको करना है कि इस वीडियो को गैलरी में सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको यहां पे इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके एक्सपोर्ट करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में।